तो दोस्तों, बीइंग डिफीटेड इज ऑफन अ टेम्पररी कंडीशन, बट गिविंग अप इज व्हाट मेक्स इट परमानेंट। अगर आप किसी चीज का प्रयास करते हो और आपको उसमें हार मिलती है तो वो एक टेम्पररी कंडीशन है, मगर आप उस चीज के लिए फिर से प्रयास करना छोड़ देते हो, अपने जुनून को भूल जाते हो, हार्डवर्क करना छोड़ देते हो, तो वो आपकी हार को परमानेंट बना देती है। तो आज का कोट यही है, नेवर स्टॉप ट्राइंग, नेवर गिव अप, बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है October 10, 2018 और डे है वेडनेसडे। और आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए एक सवाल, और आज का सवाल है, पिंक बलवॉर्म इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पिंक बलवॉर्म नाम की जो प्रॉब्लम है वो इनमें से किससे रिलेट करती है। आपके ऑप्शन है ए बीटी कॉटन, बी बीटी कॉर्न, सी DMH11 या डी बीटी ब्रिंजल। जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे #MeToo से। #MeToo सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस है। आज इसके बारे में बातचीत लेंगे, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंडिया के अंदर कोई लॉ है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस से डील करता है। असलियत में #MeToo है क्या? #MeToo एक कैंपेन है, एक कैंपेन है जो चल रही है सोशल मीडिया पे, और एक कैंपेन है जो कि आज के समाज को अवेयर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली इस कैंपेन के अंदर अगर किसी भी महिला के साथ यौन शोषण हुआ हो, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो, या उसे किसी भी जगह पर अपनी सुरक्षा के ऊपर खतरा लगा हो, उन हादसों को वो सबके सामने रख रही हैं, सबके सामने सच्चाई को प्रेजेंट कर रही हैं। तो बेसिकली #MeToo है कि महिलाएं कह रही हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरे साथ भी हुई हैं, और एक के बाद एक जो महिलाएं हैं वो अपने केसेस इस #MeToo कैंपेन के अंदर बताती जा रही हैं। इंडिया के अंदर भी इस #MeToo कैंपेन को शुरुआत कर लिया गया है, और इसके अंदर स्टैंड अप कॉमेडियंस, सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही बड़े बड़े एक्टर्स भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि क्या इंडिया के अंदर कोई लॉ है जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस को डिफाइन करता है। तो आंसर है यस, इंडिया के पास है लॉ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, जो कि 2013 में पास किया गया था। इस एक्ट के अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो इंस्पायर्ड हैं थ्रू दी विशाखा गाइडलाइंस। तो विशाखा गाइडलाइंस हमारे सामने आई थी 1997 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, जो कि फाइल किया गया था विमेंस राइट ग्रुप के द्वारा, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप था जिसका नाम था विशाखा। तो यहाँ पे केस फाइल किया था, और उसके अंदर जो वर्डिक्ट आए उसके अंदर कुछ गाइडलाइंस दी गई। उन गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे सरकार ने इनैक्ट किया सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, तो याद रखना विशाखा गाइडलाइन से ये लिंक है। तो विशाखा गाइडलाइन के अंदर ही आपको मिल जाएगी सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन कि असलियत में सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। इसके साथ साथ जो 2013 वाला जो यहाँ पे हमारे सामने एक्ट आया उसको थोड़ा सा ब्रॉड भी किया गया। उसको ब्रॉड कैसे किया गया, यहाँ पे हर एक कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयर है वो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनाएगा, और उस कंप्लेंट्स कमेटी के अंदर कुछ लोग होंगे जो कि यहाँ पे जो भी चीज़ आएंगी, जो भी कंप्लेंट आएंगे उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ पे सरकार ने यह भी बोल दिया था कि उन सब जगहों पर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होना ज़रूरी है जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, हमारे यहाँ जो लॉ है उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट असलियत में है क्या। बेसिकली ये एक अनवेलकम एक्ट या अनवेलकम बिहेवियर के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जो कि डायरेक्टली कोई भी यहाँ पे आदमी किसी महिला के साथ करता है। यहाँ पे जैसे कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है तो उसे माना जाएगा, या कोई अगर सेक्सुअल फेवर की डिमांड करता है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करता है, तो कोई सेक्सुअली यहाँ पे रिप्रेजेंटेड कोई जेस्चर्स दिखाता है, तो वो सब भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं। कोई भी पोर्नोग्राफी शो करने की कोशिश करता है, या कोई भी अनवेलकम फिजिकल, वर्बल या नॉन वर्बल सेक्सुअल नेचर की कोई कंडक्ट करने की कोशिश करता है, तो उन सब चीज़ों को सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर माना जाता है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने
एक यहाँ पे एक हैंडबुक ऑन सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को पब्लिश किया। उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिफाइन की गई कि सेक्सुअल हरासमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा। यहाँ पे बोला गया कोई भी सजेस्टिव रिमार्क्स होते हैं, कोई भी MMS, SMS या WhatsApp या और भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई यहाँ पे गलत मैसेज सेंड किया जाता है किसी महिला को तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। साथ ही किसी को अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है तो भी वो इस पर्टिकुलर सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गाइडलाइंस थी, जो विशाखा गाइडलाइंस थी, उन्होंने अपने आप को लीगली बाइंडिंग बनाया था और यहाँ पे सरकार को बोला था कि आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो तीन बड़े बड़े पिलर्स पे ध्यान दें। तीन बड़े बड़े पिलर्स थे, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। ओके, तो इन तीन बड़ी बड़ी चीज़ों को हर किसी को भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे पहले बात करते हैं कि ये जो ICC, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, ये वर्क कैसे करती है। बेसिकली यहाँ पे अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट वाला केस होता है तो वो जाकर अपनी कंपनी में यहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी के अंदर यहाँ पे कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर वो नहीं भी करती है तो भी वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद भी उस पर्टिकुलर केस को ले सकते हैं, ऐसा भी प्रावधान इस ICC के अंदर है। इसके साथ साथ विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे जो केस है वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर ICC से ये जो केस है सॉल्व नहीं होता है तो वो यहाँ पे पुलिस को भी ट्रांसफर कर सकती है अंडर द IPC सेक्शन 509, जिसके अंदर आता है वर्ड, जेस्चर्स और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और इसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट है 1 year की और इसके साथ फाइन भी लग सकता है। तो 90 डेज के अंदर अंदर यहाँ पे जो केस है उसको पूरी की पूरी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। यहाँ पे आपके साथ में एक ग्राफ आ रहा है, एक बार उस ग्राफ को देखो कि स्टेट्स विद मोस्ट केसेस, किस स्टेट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट के सबसे ज़्यादा केस अभी तक रजिस्टर किए गए हैं। तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश और उसके बाद है दिल्ली, MP, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और तेलंगाना। तो आप देख सकते हो यूपी और दिल्ली में अगर आप मिला लोगे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो इनकी जो संख्या है टोटल केसेस का 40% बैठती है यूपी और दिल्ली में। तो ये और इसके साथ साथ आपके यहाँ ऑल इंडिया केसेस के भी एक ग्राफ आ रहा है आपके साथ, जहाँ आप देख सकते हो कि 2015 में यहाँ पे 522 केसेस आए, 2016 में 539, 2017 में 570 और 2018 में अभी तक जुलाई 27 तक आए हैं 533 केसेस। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या बता रही हैं कि हमारे जो देश में जो महिलाओं की कंडीशन है वो अभी भी वो नहीं है जिसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके लिए हम लोग या सब लोग जो कि अच्छे एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को भी और एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न आप लोगों को भी और हम लोगों को भी, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। और एक चीज़ और है कि महिलाओं को सुरक्षा से ज़्यादा आज़ादी की ज़रूरत है, तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो आज़ाद रहें, आज़ाद घूम सकें हर जगह, उनकी सुरक्षा के ऊपर किसी भी जगह पर खतरा ना आए। ठीक है, तो ये है हैशटैग MeToo कैंपेन और इसका इंडिया में क्या क्या रिलेटेड लॉज हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिए। याद रखना जो हैशटैग MeToo है वो सिर्फ एक हैशटैग नहीं है, वो अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस है। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू से और सबसे पहली खबर मिलती है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस अर्जेंट लिस्टिंग ऑफ सबरीमाला रिव्यू प्लीज। तो कल मैंने आपके साथ डिस्कशन में लिया था कि जो सबरीमाला का जो वर्डिक्ट आया था उसके खिलाफ यहाँ पे सबरीमाला टेंपल के प्रीस्ट और भी जो वहाँ पे ग्रुप हैं वो सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि हम आपके साथ बातचीत तब ही करेंगे जब आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू पिटीशन लेकर जाओगे। रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट उस वर्डिक्ट के लिए फिर से सोच विचार करे और फिर से एक नया वर्डिक्ट सुनाए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक रिव्यू पिटीशन पहुंची और साफ साफ यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने उस पर्टिकुलर प्ली को रिजेक्ट कर दिया और बोल दिया इसके ऊपर कोई भी फिर से सुनवाई नहीं होगी। तो जो सितंबर 28 को जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट दिया था सबरीमाला से टेम्पल के रिलेट करते हुए उसको फिर से यहाँ पे जैसा था वैसा ही रखा गया और जो रिव्यू पिटीशन थी उसको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही यहाँ पे एक और पिटीशन लगाई गई थी कि अगर आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे हो तो फॉर द करेंट टाइम आपका जो जजमेंट था उसके ऊपर स्टे लगा दो। उस पर्टिकुलर चीज़ को भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया।
थोड़ा सा डिस्कशन ले लेते हैं सबरीमाला टेम्पल के बारे में। तो बेसिकली सबरीमाला टेम्पल में पहले क्या होता था, जो महिलाएं थी 10-50 ईयर्स के बीच की, जो कि मेंस्ट्रुअल एज के अंदर थी, उनका टेम्पल में जाना बिल्कुल मना था, वो टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर सकती थी। अब इसके खिलाफ कुछ महिलाओं को ग्रुप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर केस के ऊपर सुनवाई करी और हमारे सामने September 28, 2018 को एक बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट देखने को मिला। तो बेसिकली ये 4:1 के रेशियो से जो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच थी उसने इस चीज़ को अप्रूव किया कि यहाँ पे जो टेंपल है वो जो महिलाओं की डिग्निटी है, महिलाओं का राइट टू इक्वलिटी है, महिलाओं का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उन सब को वॉइड करता है। तो इसी लिए यहाँ पे जो 10-50 ईयर्स के बीच की जो महिलाएं हैं जिनको जाना मना है सबरीमाला टेंपल के अंदर, ये बहुत ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन के ऊपर से जो पर्दा है उसे हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे महिलाओं को भी अलाउ कर दिया कि महिलाएं अब इस टेंपल के अंदर जा सकेंगी। तो जो रेस्ट्रिक्शन था महिलाओं के ऊपर, उन रेस्ट्रिक्शंस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और बोला कि इट इज़ डेरोगेटरी टू इक्वल सिटीजनशिप, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज देयर डिग्निटी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबरीमाला केस हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं को इक्वल राइट देने के लिए बहुत ही बड़ा वर्डिक्ट यहाँ पे सबरीमाला केस उभर के आया। अब देखो, सबरीमाला केस एक केस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं। अब उन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके लिए भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई केस आता है तो सबरीमाला टेम्पल एक तरीके से बेंचमार्क केस बन के यहाँ पे हम लोगों के सामने आएगा। पर आपको याद रखना है कि जो रिव्यू पिटीशन गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो स्टे पिटीशन थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ी जो सरकार के सामने प्रॉब्लम आ गई है वो ये है कि अभी रिसेंटली ही एनुअल फेस्टिवल होने वाला है सबरीमाला टेम्पल के अंदर, तो वहाँ पे 40% जो टूरिस्ट हैं उनका इंक्रीमेंट देखा जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट्स, और उस वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है वो भी आ सकती है, क्योंकि महिलाओं के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ आर नेशन से ये पेज रिलेट करता है। यहाँ आपको न्यूज़ मिलती है सेंटर टू ऐड पुडुचेरी पुलिस टू यूटी फोर्स। तो कुछ ही दिनों पहले मैंने आपके साथ एक न्यूज़ डिस्कशन में ली थी जहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कशन लिया था होम मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन, जहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने निकाले थे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड चंडीगढ़ पुलिस सर्विसेज रूल्स ऑफ 2018। जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बात कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोला था कि ये जो 6 यूनियन टेरिटरी हैं इनकी जो पुलिस फोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, उनकी पुलिस फोर्सेज को मिलाकर एक सेंट्रल पुलिस फोर्स बना दी जाएगी। अब ये क्यों बना दी गई थी, बेसिकली 2012 में एक रिपोर्ट हम लोगों को देखने को मिली जो कि रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की। बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट निकाली थी करप्शन एंड एक्सटॉर्शन ऑफ नेक्सस ऑफ पुलिसमैन पोस्टेड इन चंडीगढ़। तो जो चंडीगढ़ के अंदर जो पुलिसमैन जो पोस्टेड होते थे वो कितने ज़्यादा एक्सटॉर्शन वाले केसेज में इन्वॉल्व रहते थे और कितना ज़्यादा नेक्सस बना लेते थे यहाँ पे क्रिमिनल्स के साथ। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी और फाइनली उन रिकमेंडेशन को होम मिनिस्ट्री ने मान लिया और निकाल दिया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली एंड चंडीगढ़ पुलिस सर्विसेज रूल्स 2018। बेसिकली इन रूल्स के अंदर कुछ बातें थी कि इंटर ट्रांसफरेबिलिटी हो चुकेगी, तो जो भी आईपीएस रिक्रूटेड होते हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटेड नहीं होते हैं, मतलब जो कि सिविल सर्विसेज से नहीं जाते हैं उनके अलावा, और उनके नीचे के जितने भी पद होते हैं वो इंटर ट्रांसफरेबल होंगे, एक यूटी से दूसरी यूटी में भी ट्रांसफरेबल होंगे। तो अगर दिल्ली पुलिस का कोई भी अगर कॉन्स्टेबल है तो उसकी ट्रांसफर यहाँ पे चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप कहीं भी हो सकती है। तो ऐसा कहना था यहाँ पे रूल्स का, जिसकी मदद से यहाँ पे जो करप्शन होता है वो कम हो सके, जो लोग नेक्सस बना लेते हैं वो छूट सके, जो अपने ही स्टेट में पोस्टेड हो जाते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी दिखाते हैं वो कम हो सके। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहला स्टेप उठाया था एक सेंट्रल पुलिस फोर्स को बनाने का। यहाँ पे बात ये हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब पुडुचेरी की पुलिस को भी इस यूटी फोर्स के अंदर ऐड करेगा। तो अब जो 6 मैंने आपके साथ यूटी डिस्कशन में लिए जिनके लिए इस फोर्स को बनाया जा रहा था, जो कि थी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली एंड चंडीगढ़, इनके अलावा जो पुडुचेरी है वो भी अब इस पर्टिकुलर रूल्स के अंदर ऐड हो जाएगी और वो भी एक कंबाइंड यूटी फोर्स का एक हिस्सा होंगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको जाना पड़ेगा टू द पेज नंबर 6, नेशन वाला पेज है। यहाँ आपको एक न्यूज़ मिलती है, तितली पुट्स कोस्टल ओडिशा ऑन हाई अलर्ट। तो बेसिकली ओडिशा के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर विंड्स उस तरफ आ गई और ड्यू टू दी हायर कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे एक साइक्लोनिक सिचुएशन हम लोगों को देखने को मिली। और यहाँ पे जो साइक्लोन यहाँ पे अटैक कर रहा है ओडिशा के कोस्टल्स की तरफ, उसका नाम है तितली। याद रखना है तितली क्या है, तितली एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है, याद रखना इस चीज़ को। साथ ही ओडिशा के अंदर एक तरीके का अलर्ट भी इशू कर दिया गया है और बोल दिया गया कि लोग प्रिपेयर रहें साइक्लोन से डील करने के लिए। साथ ही आपकी स्क्रीन पर वेदर रिपोर्ट का मैप भी आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे ईस्टर्न पोर्शन में कितने ज़्यादा बादल घिरे हुए हैं और यहाँ पे जो स्पायरल कंडीशन है वो भी आप इस मैप में ऑब्जर्व कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 7 की तरफ, नेशन वाला पेज है। यहाँ पे आपको पहली न्यूज़ मिलती है, इंडियन रोड्स क्लेम मोर साइक्लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज की एक रिपोर्ट आई है, जिसके हिसाब से जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं, मतलब जो लोग पैदल चलते हैं, और जो साइक्लिस्ट होते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा फैटालिटीज़ रोड एक्सीडेंट में सफ़र करी हैं और उनके ही फैटालिटीज़ उनके जो एक्सीडेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज आया है 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर नंबर ऑफ़ इंसिडेंट्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखा गया है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स के अंदर। जो टोटल जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स है वो 3.3% से ड्रॉप हुआ है 2017 के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ़ लाइव्स लॉस्ट, कितने लोगों की यहाँ पे मौत हुई एक्सीडेंट्स के कारण, वो भी 1.9% से कम हुआ है। पर यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग हैं जो मर रहे हैं, जो लोग साइकिल चला रहे हैं या जो लोग पैदल चल रहे हैं। ओके, तो और आप बाकी जो डेथ्स इन 2016 और 2017 का जो ग्राफ है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी के साथ आपको एक और न्यूज़ मिलती है, 80 स्वाइन फ्लू केसेस सिंस दिस ईयर इन हैदराबाद। तो हैदराबाद के अंदर इस पर्टिकुलर साल में अभी तक 80 स्वाइन फ्लू के केसेस हम लोगों के सामने आ गए हैं। साथ ही बहुत और भी सिटीज़ में जो स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आ रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू असलियत में है क्या? बेसिकली स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से फैलती है। वायरस का नाम है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। बेसिकली स्वाइन जो वर्ड है वो पिग से रिलेट करता है, तो जो वायरस है इसका जन्म पिग से ही होता है और ये बहुत सारी कंडीशन में आसानी से पिग टू ह्यूमन ट्रांसफ़र नहीं होता, बहुत ही रेयरली पिग टू ह्यूमन इसका ट्रांसफ़र होता है। याद रखना, कोई कॉमन बात नहीं है पिग से ह्यूमन के अंदर स्वाइन फ्लू वायरस का फैल जाना। साथ ही स्वाइन फ्लू सबसे ज़्यादा पिग्स के अंदर पाया जाता है, बहुत कॉमन होता है पिग के अंदर, और जो लोग यहाँ पे पिग्स के बहुत ज़्यादा पास रहते हैं उनको यहाँ पे स्वाइन फ्लू होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं और यहाँ पे जो कंडीशन है स्वाइन फ्लू की वो देश में दिन पे दिन खराब होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे बढ़ते हुए हम लोगों को नजर आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ, लाइव वाला पेज है। यहाँ आपको न्यूज मिलती है, एंशियंट मायांस प्रोड्यूस सॉल्ट सेज स्टडी। तो आपने माया सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो आपने माया कैलेंडर के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें कुछ साल पहले ये लिखा था कि धरती जल्द ही खत्म होने वाली है, अर्थ फिनिश होने वाली है। यहाँ पे उसी सिविलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। बेसिकली जो माया सिविलाइजेशन है वो 2000 BC के आसपास की सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन का अगर ज्योग्राफिकल जन्म की अगर मैं बात करूँ तो वो हुआ था साउथ ईस्ट मेक्सिको के अंदर। जो साउथ अमेरिकन लोग हैं या जो सेंट्रल अमेरिकन लोग हैं वो अपना ओरिजिनेशन इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन से ट्रेस करते हैं, अपने आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिशियंस, अपने एस्ट्रोलॉजर्स एज वेल एज अपने जो कैलेंडर्स हैं उसके लिए जो सिविलाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। साथ ही इसकी जो स्क्रिप्ट है वन ऑफ द फुल्ली डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, जिसको पूरी तरीके से समझ लिया गया है। इसकी स्क्रिप्ट का जो नाम है वो है हेरियोग्लिफिक स्क्रिप्ट, नाम याद रखना। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अल्टीमेट अपडेट हुआ है वो ये है, ये खोज लिया गया है कि शायद जो माया सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको सॉल्ट बनाना आता था, जो नमक है उसको एक्सट्रैक्ट करना आता था, वो नमक को एज अ वैल्यूएबल कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल करते थे और काफ़ी सारे पॉट्स के अंदर नमक को स्टोर करके भी रखते थे। तो ये अपने आप में एक नई डेवलपमेंट है। और ये बोला गया था कि वहाँ जो फिशेस को बेचा जाता था वो भी उनके ऊपर नमक छिड़क के बेचा जाता था और खाने में भी नमक का इस्तेमाल माया सिविलाइजेशन के लोग 1000 BC के आसपास करने लगे थे। इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, टाइनी डिवाइस हेल्प्स नर्व ग्रोथ।
यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की एक यूनिवर्सिटी, बेसिकली वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक नए तरीके का डिवाइस को डेवलप किया है। बहुत ही छोटा डिवाइस है, डिवाइस बिल्कुल छोटे कॉइन के जितना है और एक वायरलेस डिवाइस है। बेसिकली जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उनको फिर से एक्टिवेट करने में ये डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो जो भी डैमेज नर्व्स होती हैं उनको एक्टिवेट करने में यहाँ पे ये डिवाइस मदद कर रहा है। बेसिकली ये डिवाइस प्लेस कर दिया जाता है और ये समय समय पर इलेक्ट्रिक पल्सेज उन नर्व्स के अंदर डालता रहता है और धीरे धीरे वो जो नर्व्स हैं वो फिर से जिंदा हो जाते हैं, फिर से उनमें जान आ जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक चूहे के ऊपर किया गया और बहुत ही सफल एक्सपेरिमेंट हम लोगों के सामने देखने को मिला। तो इसी के नीचे आपको एक और न्यूज़ मिलती है, इट्स यरूशलेम सेज इंस्क्रिप्शन। तो यहां पे बात हो रही है यरूशलेम की। यरूशलेम वो सिटी है जिसके ऊपर इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही अपना क्लेम करते रहते हैं। साथ ही यरूशलेम बहुत ही होली सिटी है, उसकी बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, खासकर तीन रिलीजन में, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। यहाँ पे बात हो रही है एक स्टोन पिलर मिला है जो कि बताया जा रहा है कि 2000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिसिफर करने के बाद बताया गया है कि उस जगह का नाम पहले ही यरूशलायम था जिसको अब यरूशलेम बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके की डिस्कवरी हुई है यरूशलेम के अंदर, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हैं, ये लोग जो हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी देखते हैं उन पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन में और देखते हैं कि ये जो सिटी है कोई नई बसी हुई सिटी नहीं है, ये बहुत पुरानी सिटी है और जो इंस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका नाम वही था जो आज उसका नाम है, बस थोड़ी सी स्पेलिंग सी चेंज हो गई है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी ही खबरें थी, ज़्यादा खबरें नहीं थी, तो न्यूज़पेपर को आज यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना, लाइक का बटन दबा देना, कोई भी कमेंट डाउट क्वेरी हो तो फेसबुक पे जाकर, टेलीग्राम पे जाकर, इंस्टाग्राम पे जाकर या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो। आज की वीडियो का एंड करते हैं, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।